बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब वर्ल्ड में आप सबको वेलकम। तो व्यूअर्स, आज मैं जिस जॉब के अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ वो नस्क यूनिवर्सिटी की जॉब है, यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो है दो तरह की जॉब्स हैं, फॉर टीचिंग और नॉन टीचिंग, दोनों तरह की जॉब्स हैं यहाँ पर, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि ये पहले इसके बारे में कि जो नॉन टीचिंग जॉब्स हैं और इधर जो है ये फॉर यहाँ पर अगर टीचिंग फैकल्टी की बात करें, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप टीचिंग फैकल्टी की इसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इस्लामाबाद की जॉब हैं, डॉन न्यूज़पेपर में इसका ऐड आया 19 अप्रैल को, और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। और यहाँ पर MPhil और PhD अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है टीचिंग वैकेंसीज इन्हें जो चाहिए वो है प्रोफेसर की है, और इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की है, और यहाँ पर उनका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एरिया भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा इसके नीचे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है, यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन लिंक नज़र आ रहा है, इसके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह इसमें अप्लाई करना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरी नॉन टीचिंग जॉब्स की तरफ। तो उसकी जो है 19 अप्रैल को, लेकिन इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 3 मई है, जबकि टीचिंग जो फैकल्टी थी उसकी 30 अप्रैल थी। और यहाँ पर इसकी बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि जो पहली पोस्ट है वो Tech 2 है, इसके लिए BTech आपका जो है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में वो भी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा 20 से 30 साल के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो पोस्ट है वो कुक की है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए वो उन्हें कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तानी चाइनीज़ या इंग्लिश स्टाइल कुकिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके अलावा सैनिटरी वर्कर की है, यहाँ पर एज लिमिट इनकी 20 से 45 साल की है। तो यहाँ पर तीनों जॉब का अलग अलग लिंक मौजूद है अगर आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप किस तरह इसमें बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक लिंक नज़र आ रहा है, इसको मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ये जो है नस्क यूनिवर्सिटी का जो है जॉब पोर्टल है, जहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक जो नज़र आ रहा है जॉब इन नस्क, एक पोर्टल है, यहाँ पर तमाम जितनी भी लेटेस्ट जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर मेंशन होती हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, और उनकी डेट भी मेंशन है। असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर PDC, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप Tech 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर उसकी बाकी डिटेल्स निकल आएंगे जॉब की, जॉब डिस्क्रिप्शन और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले आपको अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, फादर नेम, ईमेल आईडी, यहाँ पर एक सीक्रेट क्वेश्चन आप चूज़ करेंगे, उसके अलावा यहाँ पर आप उसका आंसर भी देंगे खुद ही। और इसके बाद इंटरेस्टेड यहाँ पर जो है जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप अगर टेक्स स्टाफ फैकल्टी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या ऑफिसर्स के लिए, मैं यहाँ पर ऑफिसर चूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर आपने जो है वेरिफिकेशन कोड देना है, उसके बाद इसे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपकी जो होगी इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो फिर आपको अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट टाइम इसमें लॉगिन में आना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके पास जो है इस जॉब का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी मेंशन होंगी, वो आपने वहाँ पर अपनी फिल करनी है, और इस तरह आपका ऑनलाइन इसमें अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। तो ये थी आज की कंप्लीट और डिटेल वीडियो के नस्क यूनिवर्सिटी में जो जॉब्स आई हुई हैं फॉर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ बोथ के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।